दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का अपना चैनल आई एंड डी हिंदी टेक में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के वर्चुअल डेबिट कार्ड के बारे में आप लोगों को पता होगा इससे पहले हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के यू के बारे में जहाँ पर हमने एक एप्लीकेशन दिया था जो कि लेटेस्ट वीटा एप्लीकेशन था उसे इंस्टॉल करने के बाद आप जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के आई मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में

लेकिन दोस्तों एक अपडेट आया है जो कि यहाँ पर सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर से अपडेट कर लीजिएगा एप्लीकेशन को अपडेट कि, मतलब कि अगर आप फोन पे में अपना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट नंबर ऐड करना चाहती हैं तो इसके लिए आपको यूपीआई पिन बनाना होगा यूपीआई पिन आप तभी बना सकते हैं जब इसका वर्चुअल डेबिट कार्ड मौजूद होगा और

मैं आपको बता दूं कि आपको जो दिया जाएगा रुपए वर्चुअल डेबिट डेबिट कार्ड कार्ड दिया दिया जाएगा जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। में रुपए वर्चुअल इस आप UPI ID भी बना सकते हो जिससे उस वीडियो को जरूर देखिएगा दिया है जब आप यहां पर रुपए कार्ड वाले ऑप्शंस पर क्लिक करोगे ना तो यहां

पी पिन बना सकते हैं जैसे फोन पे के बारे में बात करें पेटीएम के बारे में बात करें गूगल पे के बारे में बात करें किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन में आप इस अकाउंट को लिंक कर सकते हैं यदि आप अभी जो है फोन पे में खोजने जाओगे तो वहां पर आप लोगों को जो है वहां पर आपका अकाउंट नजर आ जाएगा लेकिन वहां पर जो है आप पिन तभी बना सकते हो जब आपके पास कार्ड नंबर होगा लास्ट का सिक्स डिजिट तो यहां पर कार्ड जब जनरेट होगा ना तब आप लोग काफी आसानी से यूपीआई पिन ना सकते हो और किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में या फिर इस एप्लीकेशन में भी यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हो तो इस वीडियो में हमने आपको पूरे डिटेल के साथ समझा कर बता दिया है उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और इसी प्रकार के छोटे बड़े इंफॉर्मेशन और अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में हमें दीजिए इजाज़त तब तक के लिए गुड बाय